सो हे गाइस सर, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस डायन जोन की। तुम लोगों ने सुना होगा यार कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। हाँ तो बस यार जिन हार्मोन से मिलकर कुत्ते की पूंछ बनी होती है, हाँ तो वही हार्मोन इस डायन जोन के शरीर में कुछ ज्यादा ही मात्रा में भरे पड़े हैं। नहीं तो अभी तो सालों बीत गए लेकिन इसकी हरकतें अभी तक सीधी नहीं हुई है। कोई साहिल के बारे में ये वीडियो है, वो अब गाइस हम सब लोगों को छोड़कर जा चुके हैं। साहिल बहुत ही अच्छे इंसान थे। नहीं देख रहे हो, दो साल पहले अपनी जिन हरकतों की वजह से ऑडियंस से गालियां खा रही थी, वो हरकत इसने अभी तक नहीं छोड़ी है। मिसाल पिछले दो सालों में कोरोना के भी तीन वेरिएंट आ गए हैं, लेकिन इस बाकर चुती के सो कॉल्ड कंटेंट आई मीन चुतिया में कोई फर्क नहीं आ रहा है। वो अब गाइस हम सब लोगों को छोड़कर जा चुके हैं यहाँ से। पर हाँ यार, इसके चैनल पर जाकर एक बात तुम लोग भी नोटिस करोगे कि पिछले दो तीन सालों में इंप्रूवमेंट तो इसने भी करी है, क्योंकि अभी तक तो ये व्यूज के खाते सिर्फ यूट्यूबर्स को मारती थी, लेकिन अब इसने खुद को अपडेट करके उनके परिवार वालों को भी मारना शुरू कर दिया है। सौरभ जोशी ब्रदर पीयूष जोशी इज नो मोर, सौरभ जोशी ब्रदर कुनाली इज नो मोर। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा यार। जिन बच्चों को ना अकेले सड़क क्रॉस करने तक की समझ नहीं है, उन बच्चों के नाम पर ऐसे थंबनेल बनाकर पैसा कमा रही है। यार सच बताऊं तो इससे बढ़िया काम ना मुझे भिखारी लोगों का लगता है, क्योंकि वो बेचारे हमसे पैसे कमाकर कम से कम हमें दो दुआएं तो दे देते हैं। इसकी तरह ये छिछली और घटिया हरकतें तो नहीं करते हैं। इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। खैर अब ये सब तो इसकी वो बख्शियां होंगी जो कि हम एक बार को भूल भी सकते हैं, लेकिन अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ इसका वो चुतिया जिसकी वजह से ज्यादा नहीं पर कम से कम पागलखाना जाना तो डिजर्व करती है। गाइस सौरभ की मम्मी अब हमारे बीच में नहीं रही, वो दिल की बहुत अच्छी थी। अब इस डायन जोन की इस हरकत के बाद अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो मेरे सामने अगर ये और कोई आतंकवादी खड़ा हो और मुझे इन दोनों में से किसी एक को पीटने का मौका मिले तो कसम से बता रहा हूँ बिना सोचे समझे पहले मैं इसको बजाऊंगा। नहीं किसी क्रिएटर के लिए इससे बुरा और क्या ही हो सकता कि बिना किसी गलती के सिर्फ उसकी फेम की वजह से उसे अपने घर वालों के बारे में ऐसी चीजें देखनी पड़ रही हैं। सौरभ की मम्मी अब हमारे बीच में नहीं रही, चूतिया। कसम से कह रहा हूँ यार कि जिस तरह की ये पायल जोन हरकतें कर रही है ना, तो अगर ये बिना अपना चेहरा छुपाए किसी पब्लिक प्लेस में चली गई जहाँ पर कि लोग इसे पहचान सके, तो एक बात की तो गारंटी की इसके वापस घर पहुँचने से पहले इसके साथ लोगों द्वारा की गई मारपीट की खबर घर पहुँचेगी। समझ रहे हो, बहुत मारा मतलब मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है सच में। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने आई हूँ ये बताने के लिए कि आखिर सौरभ की मम्मी के साथ हुआ क्या था। नहीं नहीं यार, कोई जरूरत नहीं है तेरे बताने की, हमें पता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। एक बाकर चौधरी लड़की थी जिसे कि पैसों का कुछ ज्यादा ही लालच था, तो इसलिए उसने व्यूज के खातिर अपनी अकल के औकात के हिसाब से थंबनेल में RIP सौरभ जोशी मॉम लिख दिया और बाकी वीडियो में मूत की बूंद जैसे मोटे मोटे आंसू निकाल कर थोड़ा सा मातम मनाने की ओवर एक्टिंग करके अपने व्यूज और पैसों के लालच को शांत कर दिया। तो मतलब ये कि सौरभ जोशी की मम्मी को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक मंदबुद्धि लड़की है जिसने कि उन्हें कुछ हो जाने की अफवाह फैलाई है। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि गाइस ये वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं है या झूठी वीडियो नहीं है, ये चीज सच में हुई है। क्योंकि अगर मेरे को ऐसी झूठी वीडियो ही बनानी होगी इस टाइप की, तो मैं किसी यूट्यूबर के लिए बनाऊंगी, उसकी मम्मी या उसकी फैमिली के लिए कभी भी नहीं बनाऊंगी। बेशर्मी का ओवरडोज देख रहे हो, एक तो गलती की जा रही है और ऊपर से उसके ऊपर सफाई और दी जा रही है। ये मैं सही में बता रहा हूँ कि अगर इसकी हरकतों पे ना मेंटल हॉस्पिटल वालों की नजर पड़ गई तो ये पागल खाने ले जाने लायक है या नहीं, इसके लिए उन्हें कोई टेस्ट या चेकअप करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसकी हरकतों से कंफर्म हो रहा है कि इसको सबसे ज्यादा जरूरत है पागल खाना जाने की। क्योंकि गाइस ये वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं है या झूठी वीडियो नहीं है, ये चीज सच में हुई है। क्योंकि अब वीडियो के टाइटल से लेकर वीडियो तक में इस मंदबुद्धि औरत ने मूत की धार जैसे मोटे मोटे आंसू निकालकर बताया है कि ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है बल्कि सही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वीडियो के 3-4 मिनट का वॉच टाइम लपेटने के बाद जैसे ये वीडियो के एंडिंग की तरफ बढ़ने लगती है तो ये अपना खुद का ही थूका हुआ चाट लेती है। इस बंदे के मुंह से मैंने ये बात सुनी थी कि सौरभ की मम्मी अब हमारे बीच में नहीं रही है। इस बंदे से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप किसी की फैमिली के लिए ऐसी वीडियो मत बनाओ। मैंने इसमें कभी भी किसी की मम्मी पापा के लिए ऐसी वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए ऐसी वीडियो बनाती हूँ। क्या मैं क्या बोला तूने? मैं कभी भी किसी की मम्मी पापा के लिए ऐसी वीडियो नहीं बनाती हूँ। गाइस सौरभ की मम्मी अब हमारे बीच में नहीं रही। शाबाश। नहीं देख रहे हो, जिस गलती को ये पैसा कमाने के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में खुद कर चुकी है तो बाद में ऑडियंस की नजरों में सही बनने के लिए उसी गलती के लिए दूसरों को पोक किया जा रहा है। नहीं, इस डायन जोन को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ यार कि चाहे तू सोशल मीडिया पे कुछ भी कर, कैसे भी वीडियो बना, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रख लेना कि जैसा कंटेंट तू दूसरों के ऊपर बना रही है तो सेम कंटेंट अगर कोई तुम्हारे ऊपर बनाता है तो वो देखकर तुम्हारे पीछे बिना बवासीर का कोई दर्द नहीं उठना चाहिए। शर्म करो, भगवान से डरो, बहुत कंट्रोल। खैर तो चलो यार, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो भी कर देना यार। तो चलो फिर अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।